अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो भाई लोग, आप लोग को मालूम है, आप लोग को मालूम है, आज जब सुबह हम उठे हमको एक मेल आया, मतलब कि हमको एक मैसेज आया। उस मैसेज में मिला लिखा था कि तुम हमको हाईवे के पास मिलो। हाईवे के पास एक तो जगह है, वहाँ पर पेट्रोल पंप के पीछे एक जगह है, वहाँ पर हमको मिलो। और वो नंबर पर हम कॉल भी किए कि भाई तुम कौन हो, क्यों हमको मैसेज कर रहे हो। तो एक बार नंबर उठा, हम बोले हेलो कौन है, फिर वैसे ही वो कट गया। अब यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन है। बस बस जिस जिस जहाँ से हमको नंबर आया है ना, जहाँ से हमको मैसेज आया था, उसका बस एक नाम लिखा है जैक। अब जैक तो हम खुद ही है, और हमको कौन मैसेज कर सकता है? हमको लग रहा है ना वो वही बहरूपिया है, वही बहरूपिया हमको मैसेज कर रहा है, वही है वो। अब वक्त आ गया है गाइस उस बहरूपिया से मिलने का। अब देखो, अब हम किस गाड़ी से जाएं मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो हमको फ़ोन पे, मतलब कि वो हमको मैसेज पे बोल रहा है ना कि तुम अपने बुगाटी कार में बैठ कर आना, ब्लू वाला। तो भाई साहब यही मेरी बुगाटी कार है, तो हम तो इसमें बैठ गए। अब तो हम जाने वाले हैं वहीं पर। भाई साहब हमको समझ नहीं आ रहा कि वो हमको बुला रहा क्यों है, आखिर वो हमको क्यों बुला रहा होगा। और वैसे ना वो हमको शक्ल बताया, हम उसको कॉल कर रहे हैं, हम हेलो बोले, वो फ़ोन काट दे रहा है। मतलब कि यार वो कौन आदमी है, क्या कर रहा है, मतलब कि मेरे साथ हमको क्यों बुला, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब जा ही के पता चलेगा कि मुझे करना क्या है। बस यार वो कुछ करे नहीं, हम रिची को भी इसके बारे में कुछ अभी बताए नहीं, किसी को भी कुछ भी नहीं पता। अब मुझे डर भी बहुत लग रहा है, पर मुझे उससे मिलना भी है, क्योंकि भाई साहब वो इतना ज़्यादा ख़राब इंसान है, वो मेरे नाम पर क्या क्या सब कर दिया। वो तो मेरा शक्ल अपना लिया है भाई साहब, बहुत डेंजर आदमी है। तो वो हमको यहीं पर खड़ा होने बोला है, यहाँ पर तो आसपास कोई है भी नहीं भाई साहब। वो हमको यहाँ पर खड़ा होने क्यों बोले, देख रहे हो आसपास कोई नहीं है, एक आदमी भी नहीं है, ऐसा कोना जगह हमको खड़ा करा दिया है। अब भाई साहब पता नहीं वो कब आएगा। वो तो हमको बोला था कि तुम 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे तक तुम वहाँ पर पहुँच जाना। अभी 12:15 हो रहा है यार, हम कितना इंतज़ार करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है लिटरली गाइस, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो चलो देखते हैं मैं कितना दिन इंतज़ार करता हूँ उसके लिए। भाई साहब बहुत डेंजर भाई लोग, आप लोग को मालूम है हम लास्ट 15 मिनट से यहाँ वेट कर रहे थे, अब हम थक गए, बहुत ही ज़्यादा थक गए यहाँ पर बैठे बैठे। मुझे क्या लग रहा है वो कोई प्रैंक कॉल किया, असली में ना यहाँ कोई आने वाला ना है नहीं। तो हम क्या सोच रहे हैं अभी ना थोड़ा सा और, मतलब कि और 15-20 मिनट के लिए ना हम किरिल के पास जा रहे हैं, किरिल से थोड़ा सा बात बात कर लेते हैं और फिर यहाँ पर वापस आ जाएंगे। वैसे भी वो पता नहीं वो कौन आदमी हमको बुला के क्यों परेशान कर रहा है, आई थिंक सुना वो कोई फेक नंबर हो। खैर हम जा रहे किरिल के पास, किरिल से मिलकर आ रहे हैं। वो जैक बेवकूफ़ लड़का, वो आ गया यहाँ पर, अब नहीं बचेगा, हम उसको बुलाए थे मारने के लिए, अब हम उसको मार देंगे। मेरा रॉकेट लॉन्चर भी तैयार है, 3, 2, 1, बस खत्म, बन गया, मर गया वो। आखिरकार वो मर गया। अब मेरे दिल में जो सुकून आ रहा है ना, मैं क्या ही बोलूँ, मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश है, आखिरकार चैक ना रहा। ओ भाई साहब क्या फटा भाई साहब, बहुत डेंजर आवाज़ था यार। हम किरिल के पास जा रहे थे पर हमको घूम के आना पड़ा, क्योंकि भाई साहब कुछ ना कुछ तो फटा है। ये देखो ये भी कितना हकबका के चला रहा है अपना गाड़ी, भाई साहब बहुत डेंजर चीज़ हुआ है अभी यार। किसका गाड़ी फटा है? आई थिंक सुना आवाज़ तो मेरे गाड़ी के पास से आया था, वहाँ पर कोई था भी नहीं। मतलब कि यार मेरा गाड़ी फंस गया है क्या, फट गया है क्या? ओ भाई साहब यार मेरा ही गाड़ी फट गया है यार, ऐसा कैसे, क्योंकि मेरा गाड़ी तो यहाँ पर है नहीं, पर मेरा गाड़ी यार कौन फाड़ा और वो कहाँ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई साहब क्या हुआ है मेरे साथ, हम बहुत ज़्यादा मालूम है अभी, मेरा दिल इतना ज़्यादा धड़क रहा है क्योंकि हम यार शौक हो गए। सोचो अगर हम किरिल से मिलने नहीं जाते तब तो हम वो गाड़ी में बैठे रहते और जो आदमी उस गाड़ी को फोड़ा है उसके साथ हम भी फट जाते। ये तो यार मेरा अच्छा किस्मत था कि हम किरिल से मिलने से मेरा मन किया, हम उठ के अपनी गाड़ी से निकल गए किरिल से मिलने। भाई साहब हमको ना अब जल्दी से रिची के घर जाना है और रिची को ये सब बताना है, वो गाड़ी भी पता नहीं मुझे नहीं दिख रहा कहाँ गया। अब भाई साहब तो मुझे जाना ही है रिची के पास, रिची के पास जाके मैं बताऊंगा रिची ये सब हुआ है, वो आदमी पता नहीं वो कौन पागल आदमी था, हमको क्यों बुला रहा था, और भाई साहब पता नहीं वो मेरा गाड़ी भी फोड़ दिया पूरा। भाई साहब वो बहुत डेंजर इंसान है, अब यार पूरा मेरा कप कपी हो रखा है, मेरा हाथ वाथ सब कप कपा रहा है। मतलब कि यार अगर हम बैठे रह जाते हैं तब तो यार आज हम आप लोग से बात ही नहीं कर पाते भाई, यार बहुत डेंजर ये तो केस है। अच्छा वैसे रिची, हेलो भाई, रिची हो, रिची है अंदर यार, तुम रिची हो, रिची हो, रिची है, हम क्या पूछ रहे यार, तुम रिची यार मेरा बात तो सुन लो यार, कहाँ पर हो तुम? रिची रिची तुम ये कहाँ पर किसका आवाज़ हो? है? आई थिंक सो रिची जैक है क्या? हाँ भाई जैक आया हुआ है। हाँ भाई जैक, बहुत दिनों बाद, क्या हाल है, सब ठीक है ना, सब खैरियत? हाँ भाई बहुत टेंशन में लग रहे हो।
टेंशन नहीं यार, महा टेंशन रिची, मैं तुमको क्या ही बताऊं यार। मेरा लाइफ मालूम है अभी बस बच गया, अभी ना हम तुमसे बात नहीं कर पाते। मालूम है क्या हुआ, एक आदमी का हमको सुबह एक मैसेज आया, वो लिखा था ना कि तुम ना मुझे ना वहाँ पर जो हाईवे है हाईवे के पास मिलो। तो हम भाई हाईवे के पास चले गए अपना गाड़ी लेकर, वो गाड़ी बताया था कि बुगाटी में आना, तो हम अपना बुगाटी उठाए वहाँ चले गए। अब भाई साहब हम वहाँ पर बैठ गए ना, इंतजार कर रहे थे कि वो आदमी कब आएगा, और बहुत देर हो गया। तो हम वहाँ से उठ गए और चले गए किरिल के पास, किरिल से मिलने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और जैसे हम किरिल के पास जाने लगे ना, और जब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ गए, फिर हम क्या देखे मालूम है, मेरा गाड़ी ना अपने आप फट गया। लिटरली वहाँ पर कोई नहीं था और मेरा गाड़ी फट गया। सोचो अगर हम गाड़ी से नहीं निकलते तब तो यार आज हम भी उस गाड़ी के अंदर फट जाते। सच में जैक, सोचो तुम्हारा किस्मत कितना ज़्यादा अच्छा है, तुम बच गए यार। अब देखो अगर तुम गाड़ी से निकल गए थे और वो वाला गाड़ी फट गया, मतलब कि जो उस गाड़ी को फाड़ा होगा, मतलब कि तुम्हारा जो हमशक्ल वही होगा, शायद 101% वही होगा, वो तुमको मारना चाहता होगा। उसको लगा होगा कि तुम मर गए, क्योंकि उसको लगा होगा तुम गाड़ी के अंदर बैठे हुए, पर तुम तो असली में गाड़ी से निकल गए थे, तुम किरिल को ढूंढने के लिए निकल गए थे। तो इससे एक ये फ़ायदा हो गया कि उसके नज़र में तो तुम मर गए हो, पर असली में तो तुम जीते हो, मतलब कि अभी तुम लाइफ हो, मतलब कि तुम अभी ज़िंदा हो। तो तुम एक काम करो, तुम आज की आज ना ये शहर छोड़कर कल सुबह तक तुम यहाँ से निकल जाना। वहाँ यहाँ पर एक तो आईलैंड है ठीक है दूर में, तुम वहीं पर चल जाओ, वहीं पर जाके बस जाओ कुछ दिन तक। अभी तुम्हारा इस शहर में रहना ठीक नहीं है, और उसको भी लगता है कि तुम मर गए तो तुम जाओ। और बहुत रात हो रहा है, हम भी जा रहे सोने, हम तुमसे सुबह मिलेंगे उस आईलैंड पर, और फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। वैसे हम भी कुछ इंतज़ाम करेंगे उस आदमी से मिलने का, पता नहीं वो कौन पागल आदमी है। खैर तुम मेरा बात समझ गए ना कि तुम उस आइलैंड में जाओ, तुम उसी आइलैंड पे रहो और अपना ख्याल रखना। बाकी मैं जा रहा हूँ यार, तुम देख ही सकते हो कितना ज़्यादा रात हो गया, तो मैं जा रहा हूँ सोने, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। ठीक है रिची, मैं जा रहा हूँ, मैं चले जाऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना ठीक है। और गाइस जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अजीब बात है, मतलब कि उसके नज़र में हम मर गए पर असली में हम जिंदा है, ऐसे देखा जाए तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर उसको लग रहा है कि हम मर गए तो हम उसके खिलाफ़ ना बहुत सारा चाल चल सकते हैं, और मुझे ना उसे कैसे भी करके, बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ इंसान है। सो अभी तो मैं जा रहा हूँ अपने घर, वैसे अपने घर के अपने घर पहुँच ही गए हम, बस थोड़ा सा दूरी में, तो अपने घर जाके अभी तो हम सो जाएंगे और फिर सुबह उठेंगे, और फिर सुबह उठ कर पहली फुर्सत में ना वो आइलैंड के पास चल जाएंगे जहाँ पर हमको बोला है रिची। और भाई साहब पता नहीं वो आदमी कब सुधरेगा, और वो आदमी है भी कौन, हम अभी तक उस आदमी का शक्ल नहीं देखे। क्या वो सच में मेरे तरह दिखने में, या फिर सब आदमी लोग ऐसे सब बोल रहे, सब मजाक कर रहे, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी यार किसी को पता नहीं लगे कि मैं अभी भी हूँ यहाँ पर, वरना तो यार बहुत ही ज़्यादा केस है, क्योंकि सबके लिए तो मैं कब का जा चुका हूँ इस दुनिया से, पर असली में तो मैं हूँ। और यार मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ इस बात से। खैर अभी घर तो हम पहुँच गए, तो घर को खोलते और जाके सो जाते, हमको भी बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। भाई लोग हो गया है सुबह, अब मुझे यार पहली फुर्सत में यहाँ से निकलना है, तो हम अपना घर बंद कर देते और भाई साहब हम अपना गड्डी से जाए, कौन सा गड्डी, अल्फा फार्मूला से आते, क्योंकि मेरा बुगाटी बुगाटी जो मेरे पास कार था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा फट गया। अब यार मुझे बहुत ज़्यादा गम है कि मेरा इतना ज़्यादा प्यारा कार फट गया। खैर उसको ये आज नहीं तो कल फटना ही था, मतलब कि किस्मत में था तो फट गया। और गाइस मैं आप लोग क्या ही बोलूँ यार, मतलब कि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ ना कल, यार हमको हमेशा याद रहेगा ये वाला इंसिडेंट, हमेशा। मतलब कि यार कसम से अगर हम नहीं निकलते उस गाड़ी से, अगर हम किरत से मिलने नहीं जाते, तब तो यार हम मर जाते। और अगर टेक्निकली सोचा जाए तो वो आदमी ऐसा क्यों चाह रहा था कि यार हमको वो मारना, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर वो हमसे बातचीत कर लेता, हमको बुलाया क्यों यार, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर इंसान है। आई थिंक सो ना गाइस, वो रियल लाइफ में भी एक गैंगस्टर है, और यार वो हमेशा गैंगस्टर रहेगा। वैसे अभी हम ये सोच रहे कि रिची बोलते कि आइसलैंड पता नहीं क्या बोलते हैं, एक आइलैंड पर चले जाना, पर यार यहाँ पर तो कोई आर मुझे दिख ही रहा नहीं है। यहाँ पर तो मैं बस एरिया 51 का रास्ता जानता हूँ, और किसी चीज़ का तो रास्ता जानता नहीं हूँ। और अभी हम कहाँ पहुँच गए, ओ भाई साहब घूम फिर कर तो हम फिर से इसी वाले शहर में पहुँच गए। वैसे इस शहर में हमको रहना नहीं है, तो चलो इस शहर से हम निकल जाते हैं, क्योंकि यार अब रिची मना किया तो ज़रूर कुछ ना कुछ वो दिमाग लगाया होगा, तभी ना बोल रहा है। और यार तू तो सीधा चल ले भाई, मेरा गाड़ी तू तो साथ दे मेरा, तू क्यों ऐसा कर रहा है भाई। वैसे भी सब धोखा ही देते जा रहे हैं मुझे, सब मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं, अब गाड़ी भी मेरा पीछे पड़ गया, ये भी मुझे धोखा दे रहा है। मतलब कि यार मैं क्या ही बोलूँ यार, मैं क्या ही बोलूँ। ओके कोई नहीं गाइस, तो हम अभी सामने जा रहे हो, पता नहीं हम कहाँ पर अभी उतरेंगे, पर कहीं ना कहीं पर तो हम चले आए हैं। और यार ये कौन सा जगह है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक सो ना, आई लिटरली थिंक सो कि मैं एरिया 51 में पहुँच गया हूँ क्या। यार मुझे लग रहा तो वही है, एरिया 51 में मैं पहुँच गया हूँ।
यार वो वाला आइलैंड है कहाँ पर, मुझे वो आइलैंड ढूंढना है कैसे भी करके, क्योंकि यार ऋषि बोला है वहाँ पर जाने, वहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो ज़रूर ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगा। और अगर हम एरिया 41 में होंगे, 51 जो भी इसको बोलते हैं, हाँ हाँ हम एरिया 51 में, तो यहाँ पर जो ब्रिज है ना, अब हम रोड से जाने वाले, पानी से अब हम नहीं जाएंगे, पानी से जाने से हमको रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा है, और पता नहीं हम यहाँ पर क्यों आए, वैसे हम जान मुझसे नहीं आए, ये वाला खुद ही हमको मतलब कि पानी के रास्ते से हम आ रहे थे तो हमको लगा ये आइलैंड है, पर असली में ये एरिया 51 था। तो खैर अभी हम यहाँ से चलते हैं ये वाला ब्रिज में, यार पूरा ब्रिज खाली है, तो बहुत सही चीज़ है कि कोई मुझे देखे नहीं, अगर कोई देख लेगा तो यार वो जाके बता देगा उस गैंगस्टर को, वैसे भी वो गैंगस्टर के सब चेले होंगे, वो गैंगस्टर तो पूरा शहर में अपना दम बसा लिया है, पुलिस वाले भी उसे कुछ नहीं कर रहे, पता नहीं यार उसके पास इतना पावर आया कहाँ से, मतलब कि यार वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया, वो तो यार हम तो सुने थे प्रेसिडेंट बनाए रिची, पर रिची से ज़्यादा पावर उस गैंगस्टर के पास है, इतना करप्शन, इतना करप्शन डूटपुर में, यार डूटपुर को हो क्या गया है। खैर कोई नहीं, तो ये वाला आइलैंड के बारे में शायद बात कर रहा था रिची, ऐसे देखने में तो ये आइलैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वैसे खूबसूरत क्या बोले, ठीक है ब्रिज से जाने का रास्ता है और पूरा एक बीच टाइप का है, और वैसे आसपास कोई है भी नहीं, ये तो बहुत सही चीज़ है, ये सही बोला था रिची, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आ सकता और ना ही कोई आएगा, यहाँ पर कोई क्यों आएगा, और यहाँ पर बहुत सारे हॉट एयर बलून भी, ये हॉट एयर बलून भी मेरा साथ दे सकता है, आज नहीं तो कल तो देगा यार। और वैसे आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ है, और यहाँ पर एक चीट कोड भी शायद लिखा हुआ है, पोपो प्लीज़, पोपो PL तो लिखा है, जेड कहाँ पर, अच्छा जेड यहाँ पर है, यार ये तो बहुत सही आइलैंड है यार, मुझे तो ये आइलैंड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और यहाँ पर एक व्हाइट हाउस भी है, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव नहीं इम्प्रेसिव, हाँ इम्प्रेसिव गाइस, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ ये सब चीज़ को देख वेख कर। बाकी यार अब तो यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, अब मैं कितना दिन तक यहाँ रहूँगा, सोचो हम कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरे लाइफ में एक ऐसा दिन आएगा जब हमको घर से अकेले रहना होगा। और यहाँ पर ये अंडा क्या कर रहा है भाई, यार अंडा क्यों है यहाँ पर, यार मुझे ये सब चीज़ समझ नहीं आती, अंडा आलू यहाँ पर कौन रखता है ये सब आइलैंड वाइलैंड में। खैर गाइस अभी हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए आगे और क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए हम आज की इस वाली वीडियो में यहीं तक रख रहे हैं, बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अब यार मैं क्या ही बोलूँ मुझे कुछ समझ नहीं आया, खैर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ, स्टे होम स्टे सेफ, और यार आप लोग मेरा मदद करिएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे हराऊँ वो मेरा हमशक्ल को, और यार इतना सारा यहाँ पर पेड़ वेड़ कैसे आ गया वही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पर हमको सोना भी होगा, सो के उठना भी होगा, यहाँ पर मच्छर वच्छर भी बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा डरावना चीज़ है भाई ये सब, तो बहुत ही ज़्यादा डरावना।